डिलीवरी के लिए आने वाली मुकम्मल मुद्दत की हामला खातून को बुखार का बहाना बनाकर बगैर डिलीवरी के वापस भेज दिया गया। कामारेड्डी म्युनिसिपल के तहत अलवर गांव के बिजगाम रोजा कल अपने शोहर परशुराम के साथ डिलीवरी के लिए कामारेड्डी सरकारी अस्पताल आई थी। कामारेड्डी की सरकारी डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि जिन डॉक्टरों ने वहाँ टेस्ट किया उन्हें बुखार की वजह से निजामाबाद या हैदराबाद अस्पताल जाना चाहिए था। इस नतीजे में इसके शोहर परशुराम ने डॉक्टरों से गोलियाँ खाने और उसे हल्का बुखार होने पर दाखिल करने की दरख्वास्त की, लेकिन डॉक्टरों ने उसे डिलीवरी करने के लिए कहा। परशुराम ने हमला जोसा को फौरी तौर पर कामारेड्डी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल किया, जहां प्राइवेट डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और इलाज के दौरान वो दम तोड़ गई। दो जुड़वा बच्चे की पैदाइश के बाद जोसा की वालदा अलवा ने कहा कि एक तरफ तो हुकूमत कह रही है कि हमें सरकारी अस्पताल में दूध छुड़ाना चाहिए, लेकिन कामारेड्डी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हमें दूध छुड़ाए बगैर वापस भेज रहे हैं। अब भी हुकूमत ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। మరి ఇద్దరు బిడ్డలు తలుకొని మంచిగా చేసారు ఇంకిద్దరు బిడ్డలు ఈ ఒక్క బిడ్డకి ఇట్లా చేసారు